दोस्तों, अगर जो आप पेज टाइपिंग का काम करके अर्निंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हैं। इस वेबसाइट का नाम है राइटिंग क्रिक। मैं इसको जूम करके दिखा देता हूं, यहां पे देख सकते हैं, ये स्पेलिंग आप सर्च कर लेंगे राइटिंग क्रिक, ठीक है, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको आना है और पहले आपको इसके बारे में पूरा डिटेल समझा देता हूँ कि कैसे आपको काम करना है, कैसे अर्निंग होगी, तभी आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। आपको कैसे रजिस्टर करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट आपको इस वेबसाइट को आना है, गूगल में सर्च करना है writingcreek.com, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपको क्रिक सर्च करना है, ग्रीक नहीं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपल सा आपको राइटिंग का काम करना है, ठीक है। अब राइटिंग का काम करने के लिए यहाँ पे कुछ सिंपल एप्लीकेशन प्रोसेस दिए हैं, बिगिन अर्निंग मनी इन 3 डे, ठीक है। तो ये सभी छोड़ के हम नीचे आएंगे और इसमें जानेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, क्या हमको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 स्टेप में आपको पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंटिन्यू करियर ग्रोथ, ठीक है, आपको अर्न फ्रॉम, यहाँ पे देख सकते हैं, $4 से लेके $12 पर पेज मिलेगा, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट होता है कि $12 किस पेज का मिलने वाला है और $4 किस पेज का मिलने वाला है, ठीक है। तो ये आपके काम के हिसाब से मिलेगा, जैसा आपको काम मिलेगा उस पर आपका रेट लिखा रहेगा, ठीक है। कम से कम यहाँ पे $4 एक पेज का मिलेगा और मैक्सिमम आपको ज्यादा से ज्यादा $12 तक मिल सकता है एक पेज का, जो भी आप राइटिंग करेंगे, ठीक है। अब राइटिंग किस किस सब्जेक्ट पे आप कर सकते हैं, कैसा करेंगे, सब कुछ बताने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है बिगिनर्स। बिगिनर्स में दोस्तों आप एक काम किए रहेंगे तो आप बिगिनर्स के लिस्ट में रहेंगे। सेकंड है इंटरमीडिएट। अगर जो आप यहाँ पे 5+ काम कंप्लीट करते हैं, ऑर्डर कंप्लीट करते हैं और एक्यूरेसी रेट जो है इसका, सक्सेस रेट जो है वो 80+ है, ठीक है, 80% है, यानी कि आपने 5 काम किया तो उसमें से 4 जो काम किया है आपने उसमें 80% सही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल पे हैं तो आपको थोड़ा सा ज्यादा अर्निंग होगी। और यहाँ पे 30+ काम अगर जो आप कंप्लीट कर लेते हैं, ऑर्डर कंप्लीट कर लेते हैं इसका, और 90% यहाँ पे सक्सेस रेट है आपका, तो आप एडवांस में गिने जाएंगे, ठीक है। और एक्सपर्ट में आप कब गिने जाएंगे, जब आप यहाँ पे 50+ काम कंप्लीट करे रहेंगे और यहाँ पे 95% सक्सेस रेशियो आपका जब रहेगा, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे आएंगे, जैसे आप पहला काम आपको मिला तो आप बिगिनर्स में जाएंगे अगर जो उसको आप कंप्लीट करते हैं तो, ठीक है। सेकंड आपको ऐसे इसी 3-4-5 काम कर दिया आपने तो यहाँ पे इंटरमीडिएट में आप चले जाएंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे प्रोग्राम इनका है, रिवार्ड सिस्टम है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, लॉग इन च्वाइस करना है और नीचे ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको किस किस सब्जेक्ट में मिलेगा, जैसे वाइड रेंज द यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो ये दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये वाला आपको फॉर्मल साइंस जो है उस पर आपको यहाँ पे 30% काम मिल जाते हैं, 30% वर्कर जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, सबसे ज्यादा जो काम है वो फॉर्मल साइंस में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर यहाँ पे अप्लाइड साइंस है, इसमें 22% लोग हैं। उसके बाद तीसरा नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं सोशल साइंस है, उसके बाद ह्यूमैनिटीज है, तो इस तरह के बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अब सब्जेक्ट और भी मैं आपको दिखा देता हूँ, केवल इतना ही नहीं है। हेल्थ केयर में अगर जो आप कोई काम करते हैं, जैसे हेल्थ केयर से रिलेटेड आप मानते हो हेल्थ पे अपना निस लिखते हैं, अपना आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, आपका जो निस है आर्टिकल है वो हेल्थ पे है, उस पर आप एस्से लिखते हैं, उसके बारे में डिटेल्स आप लिखते हैं, तो देख सकते हैं 2 पेज का आपको $6 से लेके $12 तक की अर्निंग हो सकती है, ठीक है, 2 पेज का, यानी कि 1 पेज का आपको करीब से तकरीबन $3 से लेके आपको उससे ज्यादा अर्निंग होगी, ठीक है, एक एक पेज का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अगर जो इससे न्यूट्रिशियन पे लिखते हैं तो 5 पेज का आपको $24 मिलेगा, यानी कि आपको वही $5 पर पेज का मिलने वाला है, ठीक है। 5 पेज का अगर जो $24 से लेके $60 तक मिलने वाला है, ठीक है, तो यानी कि आपको $5 से लेकर $12 तक केवल न्यूट्रिशियन पे मिलेगा, हेल्थ पे आपको कम मिलने वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे बैक यहाँ पे और आएंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, देख सकते हैं इस पे लिखेंगे तो आपको $4 यानी कि $4 से लेकर $46 तक मिलेगा, 4 पेज का, ठीक है। यहाँ पे 4 पेज लिखा है, ये पेज लिखा है जो, और इसके आगे जो इसका रेट लिखा है, ठीक है। तो कम से कम आपको 4 पेज का $16 भी मिल सकता है, यानी कि $4 पर पेज हो गया और ज्यादा से ज्यादा आपको $46 मिल रहा वाला है, ठीक है। यहाँ पे और 2 पेज का $6 से $12 हेल्थ केयर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इस तरह के कुछ है तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, आपको टाइप जॉब्स पे जाएंगे तो जैसे यहाँ पे जाएंगे राइटिंग जॉब ऑनलाइन, राइटिंग जॉब फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे हैं, जॉब फॉर कॉलेज स्टूडेंट, जॉब फॉर बिगिनर, साइंस राइटिंग जॉब, रिज्यूम राइटिंग जॉब, इस तरह के बहुत सारे हैं। रिज्यूम राइटिंग जॉब पे आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो दूंगा मैं, वहाँ पे आपको रिज्यूम राइटिंग से रिलेटेड पूरा डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया हूँ, वहाँ पे आपको रिज्यूम कैसे बना सकते हैं इस पे मैंने ट्यूटोरियल वीडियो बनाया, ठीक है। तो इस तरह के आपके बहुत सारे जॉब हैं, इनको करके आप अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे FAQ का ऑप्शन है, इस पे भी मैं अभी आपको रजिस्टर कैसे करना वो भी समझाऊंगा। पहले आपको साइट के बारे में जानना जरूरी रहता है, क्योंकि साइट के बारे में जब आप पूरा रोल एंड कंडीशन नहीं जानते हैं, ठीक है,
तो आप यहाँ पे काम करना आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है काम करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपको पहले साइट के बारे में बता रहा हूँ। वैसे तो आपको बहुत सारे साइट में मैंने पिछले वीडियो में ही आपको वीडियो वॉचिंग साइट के बारे में बताया था, उसमें आपको ज़्यादा काम नहीं रहता, केवल वीडियो क्लिक करके वॉच करना रहता, सर्वे क्लिक कर, लेकिन वहाँ पे आपको अर्निंग होती है, लेकिन थोड़ा बहुत अर्निंग होती है, ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर जो एक बार आप यहाँ पे अप्लाई करते हैं और आपका अकाउंट जो है यहाँ पे कन्फर्म हो जाता है, ठीक है, तो आप यहां से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और यहां पे जो पे आउट है कि आप पे आउट कैसे करेंगे, अपना पेमेंट कैसे लेंगे, तो भी यहां पे दिखाया गया है। पेपाल, पेयोनियर, स्क्रिल, इन तीनों में आप पेमेंट ले सकते हैं। और यहां पे आप पर मंथ यहां पे देख सकते हैं, थ्रेशोल्ड यहां पे ट्वाइस यहां पे पर मंथ, दो पर मंथ में दो बार ले सकते हैं। फ्राइडे, ठीक है, फ्राइडे सेकंड फ्राइडे में आप, जैसे आप ये महीना है इसमें आपको फर्स्ट जो फ्राइडे मिलेगा उसमें नहीं मिलेगा, सेकंड फ्राइडे में आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जानना जरूरी है दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है द फीस डिपेंडेंट ऑन योर, यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट मेथड। अब अलग अलग जो पेमेंट मेथड है आपका, उस पर आपको अलग अलग चार्ज लगते हैं, जैसे विड्रॉ फीस आपको बहुत सारी वेबसाइट पे लगते हैं, सभी वेबसाइट पे अलग अलग चार्ज लगते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत ज्यादा विड्रॉ फीस है, थोड़ा बहुत विड्रॉ फीस भी आपको लगने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे इथिकल वर्क इन द ऐसे, आप यहाँ पे इसके आके बारे में पढ़ सकते हैं, जो भी आपका क्वेश्चन है उससे रिलेटेड आप यहाँ से आके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब अप्लाई करने के लिए आपको करना क्या है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसके लिए मैं डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ। डैशबोर्ड पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आना है, या फिर आपको यहाँ पे जैसे गेट स्टार्ट पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे जो साइनअप का ऑप्शन इस पर भी क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। उसके पहले आके ये सभी चीज आप यहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल जो है आपका, ओरिजिनल कंटेंट राइटिंग करना पड़ेगा आपको। अगर जो यहाँ पे कुछ भी मिस्टेक करते हैं कि आपका ओरिजिनल राइटिंग कहीं से आप कॉपी पेस्ट करते हैं तो भी यहाँ पे आपको कुछ काम नहीं मिलेगा, ठीक है। एडवांस यहाँ पे देख सकते हैं लेवल ऑन इंग्लिश, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉन्टेंट राइटिंग किस में मिलता है, इंग्लिश, उसमें ग्रामर आपको आना चाहिए तभी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आपके पास ग्रामर ही नहीं रहेगा, ग्रामर ही नहीं आएगा तो आप यहाँ पे काम कैसे करेंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ग्रामर क्यों बहुत जरूरी है इस पर काम करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, यहाँ पे एरिया, पार्टिकुलर एरिया ऑफ स्टडीज, मतलब ये पूछ रहा कि आप किस पार्टिकुलर एरिया में आपने स्टडीज किया, उसी पे आप ज्यादातर लिखिए, ठीक है। अब मैं अप्लाई करने के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी डालना अपना, जैसे मैं अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दिया, उसके बाद लॉगिन पे मुझे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरा लॉगिन का जो ऑप्शन हो गया, आगे का पेज जो हो गया वो खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको क्या नहीं करना है, जैसे आप यहाँ पे इनके टर्म एंड कंडीशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे लोग होते हैं इसको नहीं पढ़ते हैं, तो वो चीज आपको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे दोस्तों लिखा है पर्सनल डाटा एंड प्रोवाइडिंग योर डाटा, ठीक है, ईमेल, फोन नंबर, यहाँ पे अदर कॉन्टेक्ट, आप यहाँ पे काम तो करते हैं लेकिन आपका जो कस्टमर रहेगा, आपको जो काम दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारे काम है, ठीक है। मान लेता हूँ काम की लिस्ट पड़ी है, आप वहां पे जाते हैं, आपको या फिर आपको कोई बंदा हायर करता है इस साइट पे, ठीक है, आके तो आप उसको अपना डिटेल दे देंगे, फोन नंबर, ईमेल आईडी, तो ऐसा कुछ यहाँ पे मत कीजिएगा, नहीं तो आपका जो अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा। डायरेक्ट यहाँ पे लिखा गया है और बाद में आपका कहेंगे कि मुझे यहाँ से अर्निंग नहीं हुई, ये साइट फेक है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको ऐसा कोई भी तरीका नहीं लगाना है जिनसे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सके। यहाँ पे चैट का ऑप्शन है, जो इस साइट पे चैट का ऑप्शन है वहीं से आप चैट कीजिए, वहीं से आप डील कीजिए, वहीं से आप अर्निंग करके इसी वेबसाइट से आप पैसे अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग से उसको अपने पेपाल अपना कॉन्टेंट ले लीजिए, इस साइट को आप कमीशन में दीजिए, ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यूजर नेम है, तो यूजर नेम आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अपना, ठीक है, जैसे राइटर ये है तो आप यूजर नेम चेंज भी सकते हैं। फिलहाल मैं यही रहने देता हूं, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहां पे टाइम जोन का ऑप्शन है दोस्तों, तो मैं ऑलरेडी ये इंडिया का है, तो अगर जो हो सकता है आपके पास इंडिया का टाइम जोन हो सकता है जब आप पहली बार अकाउंट बनाए, तो हो सकता है यहां पे ना हो, तो ठीक है, तो आप इस पे एडिट के ऑप्शन पे इस पे क्लिक कर देना, मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपको सिलेक्ट करके यहां से आप किसी भी कंट्री का, जिस कंट्री का आपका टाइम जोन चाहिए वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा फिलहाल इंडिया का है तो मैं इंडिया से सिलेक्ट करके उसके बाद सबमिट कर दूंगा, ठीक है। तो सबमिट करने के बाद यहां पे मेरा जो है सबमिट हो जाएगा इस तरह का। आपको ये चीज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे दो तीन बार अकाउंट बना चुका हूँ मैं, दो तीन ईमेल आईडी से। अब मैंने यहाँ पे फर्स्ट बार किया था तो यहाँ पे नहीं आया था, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल देता हूँ, यहाँ पे लास्ट नेम डाल देना है, यहाँ पे एक फोन नंबर डाल देना। फोन नंबर में आपको जो दोस्तों डालना है नंबर, ठीक है, जैसे मैं कोई भी एक नंबर डाल देता हूँ। वो नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस 91 लगा देना है, जिससे यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझना जरूरी है, तो जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं योर फर्स्ट एंड लास्ट नेम, ठीक है, कंसीड विथ योर आईडी कार्ड।
अब यहाँ पे जो आपके आईडी कार्ड में है, ठीक है, जो आप विड्रॉ लेते हैं, ठीक है, विड्रॉ पेमेंट अपने बैंक अकाउंट अपने पेपाल में जो आपका नाम है वही नाम आप यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालिएगा, वरना आपको यहाँ पे विड्रॉ लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको नंबर डालना है, नंबर डालने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। कोई भी नंबर यहाँ पे मैं उल्टा देता यहाँ पे ऐसे ही डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये नंबर डाल दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आगे मुझे +91 लगाना पड़ेगा, जिससे यहाँ पे मुझे इंडिया कंट्री सेलेक्ट हो जाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जैसे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक किया, इस तरह का मेरा स्टेप खुल जाएगा, सेकंड स्टेप क्वालिफिकेशन का, ठीक है। क्वालिफिकेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हैव यू एवर वर्कड ऑन अदर ऑनलाइन अकेडमी, आप कहीं और पे काम कर चुके हैं क्या, तो यहाँ पे अगर जो किए हैं तो यस कर देंगे, नहीं किए हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आर यू ग्रुप में राइटर, आप ग्रुप में राइटिंग करना चाहते हैं कि इंडिविजुअली आप अकेले करना चाहते हैं, तो फिलहाल यहाँ पे नो कर दीजिएगा, क्योंकि आप अकेले करना चाहते हैं तो नो कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज योर द नेटिव लैंग्वेज, आपका नेटिव लैंग्वेज पूछ रहा है कि आप किस लैंग्वेज में आप यहाँ पे बात करना चाहेंगे, तो आप नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश में ही आपसे ज्यादातर बातचीत होगी, ठीक है। तो आप नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्हाट इज द सब्जेक्ट यार यहाँ पे पार्टिसिपेट इन, ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि आप किस किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, ठीक है, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जैसे बायोलॉजी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, बिजनेस से रिलेटेड मुझे आता है, ठीक है, कम से कम 3 सेलेक्ट करना, मुझे डिजाइनिंग से रिलेटेड आता है, और भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, जैसे ज्योग्राफी, आप इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करते हैं, फाइनेंस यहाँ पे, उसके बाद इंग्लिश, इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जो भी आपको यहाँ पे है, एक्सेल मुझे आता है, सब कुछ सेलेक्ट कर सकते हैं, नर्सिंग, मैथ, जो भी आपको आता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतना करने के बाद जैसे देख सकते हैं इतना मैंने सेलेक्ट कर लिया, और आपको जो सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप टेस्ट वाला ओपन हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट में आपको दोस्तों यहाँ पे एक चीज जरूरी है, जैसे यहाँ पे दिस इज द लेस्ट हेल्प डिक्लाइन, यहाँ पे देख सकते हैं आपको लैंग्वेज स्किल, आपके लैंग्वेज के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास टेस्ट देना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट पूछ रहा है, फिर उसके बाद पूछ रहा है आपके इंग्लिश ग्रामर, जो आपका इंग्लिश ग्रामर वो चेक करना चाहता है, और यहाँ पे आपका जो कॉमा से रिलेटेड है कि कहाँ पे कॉमा लगाना चाहिए कहाँ पे नहीं, तो क्योंकि आप एसे लिखेंगे यहाँ पे राइटिंग का काम कर रहा है तो आपको पूरा यहाँ पे आना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे विथिन विल बी हाइव यहाँ पे देख सकते हैं 15 minutes and 13 आंसर, ठीक है, 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन चूज करना है, जस्ट टिक आपको करना है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, वो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद गुड लक, ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये चीज सही करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर जो ग्रामर आपका एकदम परफेक्ट नहीं है तो आप जिसका ग्रामर परफेक्ट हो उसको अपने पास बुला के जस्ट आपको 15 मिनट के लिए बुलाना है, और 15 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन कर देना बस, और उसके बाद आपको काम खत्म हो गया, ठीक है। या फिर आपका अगर जो ग्रामर है तो आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। आप ये सोच रहे हैं कि मैं कॉपी पेस्ट करके कर सकता हूँ या फिर आप गूगल ट्रांसलेट करके, तो उतना जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टाइम जो है वो 15 मिनट का ही है, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान देना पड़ेगा कि आप जब काम करें तो आपको ये चीज किसी एक्सपर्ट हो जिसका यहाँ पे ग्रामर अच्छा हो, या फिर आपका ही ग्रामर अच्छा हो तभी आप कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और जरूरी है, अब ऐसा नहीं कि क्यों यहाँ पे आके आप रोक दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा यू हैव ए ओनली अटेम्प्ट पास विद इन टेस्ट इन द नेक्स्ट 48 आवर्स, ठीक है, 48 आवर्स यानी कि 48 घंटे में ही इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा अगर जो आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन खुल जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट वाला क्वेश्चन ये 31st क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे देख सकते हैं टाइमर चलने लगा, ठीक है। आप 15 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दिस टाइम द फर्स्ट टाइम मार्क कुकिंग डिनर इन द हिमसेल्फ, तो आपको यहाँ पे आपको कोई चॉइस कर लेना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक ये चॉइस कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना, सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आपको सेलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक कर देना, फिर आपको थर्ड क्वेश्चन आएगा, फिर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं ऐसे ही एडजस्ट कर लेता हूँ कोई भी यहाँ पे सेलेक्ट करके, ठीक है। मैं यहाँ पे सही सही नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर जो 15 मिनट मैं नहीं लगाना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास इसका एक अकाउंट है। अब यहाँ पे आपको इसी तरह का काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे 30 क्वेश्चन जब आपका हो जाएगा तो आपको ये टेस्ट पास हो जाएगा, तो आप एसे पे चले जाएंगे। तो एसे में आपको दोस्तों 250 से 300 वर्ड का एक एसे लिखना पड़ेगा, उससे कम नहीं लिख सकते, उतना ही। अब एसे में क्या होता है दोस्तों, किसी भी टॉपिक्स पे आप जैसे इकोनॉमिक्स पे लिख सकते हैं, बायोलॉजी पे लिख सकते हैं, कोई भी आप एक एसे लिख लेंगे। एसे आप यहाँ पे चैट जीटीपी का भी यूज कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा एडिट करके आप अपने अच्छे तरह से बना सकते हैं, आइडिया आप चैट जीटीपी से ले सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे आपको बैलेंस कैसे ले रहा है, यहाँ पे आना है, अवेलेबल बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो भी आपका अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अवेलेबल रिक्वेस्ट यहाँ पे आप कर सकते हैं,
जब यहाँ पे आपका अकाउंट अभी कंफर्म ही नहीं हुआ, अभी जीमेल आईडी भी मैंने कंफर्म नहीं किया, आप जीमेल आईडी पे क्लिक करके भी कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका पूरा बैलेंस दिखाई देगा और यहाँ से अवेलेबल रिक्वेस्ट पेमेंट, आप जो बैलेंस है वो यहाँ से रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। आपका जो ऑन होल्ड जो आपका पेंडिंग बैलेंस रहेगा यहाँ पे दिखाई देगा, विथ इन होल्ड आपका बैलेंस यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। आपके ऑर्डर्स जो आएंगे, जो आपको ऑर्डर मिलेगा, कोई कस्टमर आपको यहाँ पे मिलेगा जो आपसे काम करवाना चाहता है, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा या फिर गॉट माई ऑर्डर पे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब यहाँ पे आपको पूरा ये टेस्ट तो पास करना पड़ेगा, अगर जो आप टेस्ट पास नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे एससे वाले ऑप्शन पे नहीं पहुंच पाएंगे, और एससे वाले ऑप्शन पे अगर जो नहीं पहुंच पाएंगे तो आप यहाँ पे आगे का काम नहीं कर सकते। तो पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया कि मैं आपको क्या समझाने वाला था, ठीक है। उसके बाद एससे कन्फर्म कर देंगे तो आपका यहाँ पे पूरा कन्फर्म हो जाएगा और यहाँ से आप काम कर सकते हैं। तो आपको वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, अगर जो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।